हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ये उसी चैप्टर पे बेस्ड है जो हमने इसके पहले पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब अगर आपने चैप्टर 7 को अच्छे से पढ़ा है तो आपको चैप्टर 8 जो है ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर 7 के बेस पे बना है, यानी सारे कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 7 से आगे के यहां पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमी जो होती है वो इक्विलिब्रियम पे कब कहलाएगी, ठीक है ना। इकोनॉमी में जैसे कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो कब करते थे, जब डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते थे, बराबर आ जाते थे। तो इसी तरह से इकोनॉमी में भी जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे अटेन होगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या अजम्पशंस होंगे, उस बेस पे हम ये पूरे चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कीन्स की थ्योरी है, जो कीन्स थे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, तो कीन्स ने एक थ्योरी दी थी कि इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर की जो थ्योरी दी है ये किसने दी है, कीन्स ने दी है, ठीक है ना। तो कीन्सियन थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है, क्या बोलते हैं कीन्स, क्या बोलते हैं, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कोई भी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पे कब होगी, व्हेन एग्रीगेट डिमांड, क्या चीज, एग्रीगेट डिमांड जो हम पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। कोई भी पीरियड ऑफ टाइम ले लें, यानी कि जैसे जनरली 1 ईयर ले लें हम, कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लें, उसमें जो भी एग्रीगेट डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो पूरी इकोनॉमी में डिमांड है वो किसके बराबर आ जाए, एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि द फर्म्स, जो फर्म्स है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, जो भी फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है या वो करना चाहती है वो किसके बराबर आ जाए, एग्रीगेट डिमांड के बराबर आ जाए, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड हाउस होल्ड और फर्म मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन समझ सकते हैं कि कैसे करना है, तो इसमें आएगा एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो क्या होता है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो एक तो ये बात हो गई कि एडी जो है वो एएस के बराबर है, तो एक थ्योरी हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एडी एएस के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, और जो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी उस सिचुएशन में फर्म्स का क्या बिहेवियर होगा वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, एडी जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के बराबर होता है, और एएस जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन कंजम्पशन अगर कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो एक अप्रोच हमारी जो होगी, सेकेंड अप्रोच, वो क्या होगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच होगी, जिससे हम समझेंगे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगी, और अगर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी तो उसमें इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे कैसे लेके आया जाएगा, यानी फर्म्स का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरीज हम पढ़ेंगे। दोनों थ्योरीज को समझने के लिए कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं, ठीक है, उन अजम्पशंस को हम समझ लेते हैं। क्या क्या अजम्पशंस हैं, सबसे पहले क्या अजम्पशन दिया है, इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 सेक्टर्स होंगे, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि सिर्फ 2 सेक्टर्स इकोनॉमी में है, यानी कि गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर जो है वो इकोनॉमी में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद द इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट और ऑटोनॉमस। हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो कॉन्स्टेंट है। क्यों करेंगे हम उसको एज्यूम, क्योंकि हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अगर समझना है तो इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होगा, उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को हम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेंगे। तीसरी चीज जो आ जाती है वो आ जाती है प्राइस लेवल जो है, ठीक है ना। तो प्राइस लेवल क्या रहेगा वो भी हम एज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फोर्थ थिंग आ जाती है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन। जो हम इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे ये कब करेंगे, शॉर्ट रन में करेंगे, लॉन्ग रन में नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में जाते हैं तो लॉन्ग रन में प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रह सकता है, प्राइस लेवल भी कांस्टेंट रह सकता है, इसीलिए हम शॉर्ट रन में क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को अटेन करेंगे, समझ में एक बार। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच।